अच्छा वक्त उसका होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचता। जमाने का शिकवा न करो बल्कि खुद को बदलो, क्योंकि पांव को गंदगी से बचाने का तरीका जूता पहनना है, ना कि सारे शहर में कालीन बिछाना। अच्छे लोगों का आपकी जिंदगी में आना आपकी किस्मत है, और इन्हें अपनी जिंदगी में संभाल कर रखना आपका हुनर। दूसरों को नसीहत के फूल देते वक्त खुद उनकी खुशबू लेना ना भूलें। इंसान जब अंदर से टूट जाए तो किसी भी माहौल से खुश नहीं होता, चाहे आसपास बहुत मोहब्बत और एहसास करने वाले लोग ही क्यों ना हों। आपका बड़ा सरमाया वो लोग हैं जो आपकी गैर मौजूदगी में अपने रब से दुआओं में आपके लिए खैर मांगते हैं। प्यार करने वालों में और कुछ हो ना हो, लेकिन एक बात जरूर होती है, बेअदब नहीं होते। दिल दुखाओ कैसा भी, बस दुआ नहीं देते। छोटी छोटी बातों पर साथ छोड़ देने की धमकियां नहीं देते। जो लोग आपके हैं वो हर हाल में आपके ही रहेंगे। जिन्होंने जाना होता है वो बेवजह भी चले जाते हैं। जिन्होंने निभाना होता है वो बेवजह भी निभा लेते हैं। आखिरी जमाने में जो चीज सबसे कम मिलेगी वो भरोसामंद दोस्त और हलाल रिजक होगा। रिजक और इज्जत किसी के अपने इख्तियार में नहीं, अल्लाह ताला जिसे चाहे दे देता है। कुछ चीजें, कुछ बातें और कुछ राज सिर्फ अल्लाह और आपके दरमियान ही अच्छे लगते हैं। किसी पर भरोसा करना है तो मुकम्मल भरोसा करो। या तो तुम्हें एक अच्छा दोस्त मिलेगा, नहीं तो एक सबक। तुम अपने किरदार को इतना बुलंद करो कि दूसरे लोग देखकर कहें कि अगर उम्मत ऐसी है तो नबी कैसे होंगे। अपनी जुबान की तेजी उस माँ पर मत चिलाओ जिसने तुम्हें बचपन में बोलना सिखाया था। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रिश्ते भी, एहसास भी, और कभी कभी हम खुद भी। बर्दाश्त बुजदिली नहीं बल्कि जिंदगी का एक अहम असूल है। जिस दिल में कुव्वते बर्दाश्त है वो कभी हार नहीं सकता। तकिए पर आंसू बहाने से हालात नहीं बदलते, मुसल्ले पर आंसू बहाओ परेशानियां बह जाएंगी। लज्जतों को खत्म करने वाली मौत को कसरत से याद किया करो। वक्त की दोस्ती तो हर कोई करता है, मजा तो तब है जब वक्त बदल जाए पर दोस्त ना बदलें। जब तुम किसी के साथ नेकी करोगे तो याद रखो कल तुम्हारे साथ भी कोई जरूर नेकी करेगा। कुछ लोग जब रोते हैं तो इसलिए नहीं कि वो कमजोर होते हैं, बल्कि इसलिए कि मजबूत रहते रहते थक जाते हैं। मेरी लिखी हर बात को कोई समझ नहीं पाता, मेरी लिखी हर बात को कोई समझ नहीं पाता, क्योंकि मैं एहसास लिखता हूं और लोग अल्फाज पढ़ते हैं।